जय माता गौरी, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आप भी भगवान में भरोसा रखते हैं, कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय माता गौरी जरूर लिखें। माँ लक्ष्मी खुद आकर देंगी हाथों में किस्मत की चाबी। प्रसन्न करने के लिए शाम के समय करना होगा बस ये काम। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग कई तरह के उपाय करते हैं, वहीं शाम के समय कुछ उपायों का जिक्र किया गया है। इन कार्यों को करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर दरवाजे पर दस्तक देती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास रहे, जीवन में सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो, इसके लिए वे नियमित रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा तो करता ही है, साथ ही ज्योतिष शास्त्र में बताई गई कुछ बातों को अपना कर भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। ऐसी मान्यता है कि जिन जातकों पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है, उन्हें जीवन में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे लोग जीवन में दिन रात तरक्की करते हैं। इसी कारण लोग माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए रोजाना पूजा पाठ के साथ कुछ खास उपाय भी करते हैं। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी उन्हीं घरों में वास करती है जहाँ पर साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। साथ ही जिन घरों में सकारात्मकता का वास होता है, वहीं धन की देवी वास करती है। ज्योतिष शास्त्र में शाम के समय कुछ कार्यों को करने की सलाह दी गई है। मान्यता है कि सूर्यास्त के समय इन कामों को करने से घर में सुख समृद्धि आती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर किस्मत चमका देती है। शाम को जलाए दीपक। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शाम के समय सूर्यास्त के दौरान तुलसी के पास और घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य जलाएं। कहते हैं कि ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी का वास होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। घर में व्यक्ति को सभी भौतिक साधनों की प्राप्ति होती है। दीपक जलाते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि वे कहीं से भी खंडित न हो, दीपक साफ सुथरा हो, तेल का दीपक। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि तेल का दीपक जलाते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि इस दौरान खड़ी और लंबी बाती का ही इस्तेमाल करें। वहीं अगर आप मंदिर में दीपक जला रहे हैं तो बाती की दिशा हमेशा भगवान की ओर ही होनी चाहिए। इतना ही नहीं, इस बात का भी ध्यान रखें कि दिया की बाती दक्षिण दिशा की ओर ना हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।